शिवनाथ नदी अमोरा घाट में बाढ़ आपदा से बचाव के लिए किया गया मॉक ड्रिल। चालू मानसून सीजन के दौरान बाढ़ आपदा प्रबंधन की टीम द्वारा आज सोमवार को कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला की उपस्थिति में अमोरा घाट पहुंचकर शिवनाथ नदी में मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल में नगर सेना के गोताखोरों को अतिवृष्टि बाढ़ के दौरान जान माल की सुरक्षा के लिए दक्ष किया गया। बाढ़ आपदा के दौरान होने वाली किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए दल तैयार है। मॉक ड्रिल के दौरान नगर सेना के जवानों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नदी में उतरकर डूबते हुए व्यक्ति को किस तरह से बचाया जा सकता है और उसे नदी से निकालकर उसे किस प्रकार चिकित्सा सेवा प्रदान की जा सकती है, यह उन्हें बताया गया। बाढ़ से बचाव के संबंध में सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। बाढ़ की स्थिति में राहत कार्य त्वरित आरंभ करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। टीम अत्याधुनिक बाढ़ बचाव उपकरण, कटिंग टूल्स व संचार उपकरण, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर किट, डीप डाइविंग सेट, इन्फ्लेटेबल लाइटिंग टावर आदि से लैस रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा नगर सेना के जवानों को आपात स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। टीम में कुशल गोताखोर, तैराक और मेडिकल स्टाफ मौजूद रहेंगे जो कि बाढ़ आपदा के दौरान राहत व बचाव कार्य में लोगों को हर संभव मदद पहुँचाने में सक्षम होंगे। जिले में बाढ़ आपदा से निपटने के लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है जिसमें बारी बारी से अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्टर शुक्ला के नेतृत्व में शिवनाथ नदी में मॉक ड्रिल किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बेमित्रा, डिप्टी कलेक्टर, सिविल सर्जन, कमांडेंट नगर सेना, मुख्य नगर पालिका अधिकारी बेमित्रा, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सहित नगर सेना के जवान उपस्थित थे। बेसिकली जो बेमित्रा जिला है, हम सबको पता है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर राजस्व विभाग ने 65 के आसपास गांव आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे बाढ़ की संभावना बनी रहती है और इसमें 3 से 4 गांव ऐसे हैं जहाँ पे प्रभाव पड़ता है। उसमें जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, अमोरा गाँव, एक खाड़िया गाँव भी है, सकीर एक गाँव, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो प्रशासन है और उसकी टीम है, मेन मशीनरी, जो सारी चीज़ें वो गियर्ड अप है, वो तैयार रहे ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में हम उसके लिए तैनात कर सकते हैं। मॉक ड्रिल का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इसमें हम ऐसा घटना क्रिएट करते हैं कि मानो एक्चुअल में वो तो ऐसा होगा, उसी आसपास ही चीज़ें करके जो पूरा प्रबंधन है अपनी तैयारी को करता है, उसी सिलसिले में आगे यहाँ पर कुछ ऐसा मार्क हम किए, कुछ ऐसे गाँव को जहाँ पे बाढ़ की स्थिति बन सकती है। हाँ, ये आइडेंटिफाइड है, मैंने पहले ही कहा कि 65 गाँव हैं जहाँ बाढ़ आ सकता है और इनमें 3 गाँव ऐसे हैं जहाँ पे इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। पिछले जो पास्ट हिस्ट्री रही तो उसके आधार पे ये चीज़ें की जा रही है। हम तैयार हैं सर बाढ़ से निपटने के लिए। हाँ, हमारी तैयारी है और हम लोगों से अनुरोध भी करना चाहेंगे कि सब ऐसे हालात बनते हैं तो लोग खुद हमारी मदद करें, प्रशासन का कहना माने, प्रशासन आपकी मदद करते हैं और जानबूझ कर खतरा मोल लेना, ये अपनी जान को जोखिम में डालना हो सकता है, ऐसी चीज़ ना करें। प्रशासन की सलाह भी गांव के किसी पारे वाले मोहल्ले को करना हो तो उसके भी लोग मदद करें। हम पूरी तरह से सजग हैं और आप सबके साथ, ठीक है।